अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हो? तो अभी मैं सैलून जा रही थी तो मैंने सोचा आप सब लोगों को साथ ले जाऊँ। सो ये मेरा आज का आउटफिट है, यू कैन सी। तो कैसी लग रही हूँ? सो लेट्स गो टू सैलून। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ आज का भी। तो नाउ आई एम गोइंग डाउन। मैंने अपने न्यू एयरिंग्स पहने जो मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, और सेम रिंग भी। और लेट्स सी कि भाई का वेदर कैसा है। वेदर बेहतर हो रहा है आजकल दुबई का। मेरा गला भी थोड़ा खराब ही है, पर कुछ नहीं होता, इग्नोर माई हैवियस्ट वॉइस। सो भाई काफ़ी लोग हैं आज। ये भी मेरी तरह यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे हैं, सॉरी ये फोटो शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये फुल सराह पास करना है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं रोड क्रॉस करके फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो वी आर गोइंग फॉर सैलून। पहले हम फर्स्ट पे जाते हैं। When she's free. You after? No, together. Yeah, we can wait. Yeah. This one? What's this one? So we need treatment लगा दी है, अब इसको रखेंगे कुछ देर। गाइस अब हम करवाने लगे हैं पेडिक्योर। मेरी हस्बैंड का स्टार्ट हो गया और मेरी बारी है। यू कैन सी माय हेयर्स, मैंने अभी वो नेल्स उतारे थे तो मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, बाल भी हैं। कैमरे का ज़्यादा गंदे आ रहे हैं, इतने गंदे नहीं हैं। तो मेरे बाल पक रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इतनी मैं कभी खाने को स्टीम नहीं देती जितनी इन्होंने मेरे बालों को दे दी है। आई थिंक मुझे फेशियल भी करवाना चाहिए तो फर्स्ट लेट्स अगली बार करूँगी। अब मेरे इयरिंग्स कैसे लग रहे हैं आपने ये बताया नहीं, मैंने न्यू बाइक किया था ना फिर सीन से वो ही है। बाल आज वैक्स भी करानी है कि क्या क्या करवाते हैं, बाल बहुत लंबे हो रहे हैं। इसके बाल ऐसे कलर कर रहे जैसे ऑपरेशन कर रहा हूँ। बहुत देर से उसके सर के अंदर किस कदर डिटेल से वो लगा रहे हैं। Come, I show you. This side. Daddy. Yeah. Sleep. This one. Come, I give you shoes. First, go to mommy. You want some milk? Daddy, daddy. My nail earrings are good. Yeah. Are you exciting? You want the same thing on your nails? Sorry, Mama. Amal, you want to do and this on your nails? No, Mama, it's hot. No, touch. Mama, huh? It's hot. Good. Yes. This is cool, not hot. Yes. It's cool, very much cool, not hot, hot. मैं समझती थी स्पा और मैनी पेडी सेम ही होता है, पर नहीं, स्पा आप पाँव की क्लीनिंग करवाते हैं और मैनी पेडी आप सिर्फ नेल्स की क्लीनिंग करवाते हैं। सो अनाया को बस फेवर के तौर पे ये फ्री में नेल करने लगते हैं। You give this service free? और पिंक भी अच्छी हो गया ना। इसको मैं बोला था बस ग्लिटर लगवा लो बच्ची से, येलो कलर। यू लाइक येलो कलर? येलो इज योर फेवरेट? लाइक लास्ट हम आए थे तो हमने सारा काम एक ही दिन करवाना था, पर बच्चों के कटिंग वगैरह करवाने में इतना टाइम लग गया और अनाया को चोट लगी थी, इसलिए हमने फिर सारे काम नहीं करवाए। तो मेरे काम फिर हमने पेंडिंग कर दिए थे और बच्चों के काम करवा लिए थे, उनकी कटिंग शटिंग। तो आज फिर मैंने अपनी वैक्सिंग करवाई, कटिंग करवाई, हेयर स्टाइल करवाया और सिर्फ नेल्स क्लीन करवाए। मीन्स पेडिक्योर मीन्स ओनली नेल्स क्लीनिंग। और ये थी मेरे हेयर्स की फाइनल लुक, जिनको मैंने आगे से बैंड्स कटवाया था और पीछे से ट्रिम करवाए थे। और स्टाइलिंग के बाद, सॉरी ट्रीटमेंट के बाद, बहुत अच्छी सी इस पर शाइनिंग आ गई थी।
तो बाल अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ख़राब हुए हुए थे, तो अब काफ़ी बेहतर हो गए थे। तो आई थिंक एक या दो मंथ के बाद मस्ट आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, इसकी कॉस्ट भी अराउंड 60 to 70 दिरहम पर बाल अच्छे हो गए थे। सैलून से अब हम निकले हैं और अब हम आए हैं यहाँ पे स्टोर पे, कुछ पीने के लिए लेंगे और यहाँ से फिर जाएंगे डिनर के लिए। तो बस प्यास लगी थी तो स्टोर से ड्रिंक करा ली है, हस्बैंड बिल करवा रहे हैं, फिर कितनी लंबी लाइन है स्टोर में। और बस मैंने सोचा तब तक कुछ देख लूँ। कितने खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, यू कैन सी Anaya, nice. What are you doing? We're touching the water. Aman? Mama, we're touching the water. तो इधर बहुत छोटे छोटे और खूबसूरत ही ये डेकोरेशन पड़ी हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत है, सो मच। और इसके प्राइस भी देखें, 11 दिरहम है। ये फोकस करे तो लाइट ऑन करके दिखाती हूँ मैं आपको। वाओ, ब्यूटीफुल। सो इसको आप ऐसे हैंग भी कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत इसकी लाइटिंग है, मैं आपको डिम करके दिखाती हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत। अरे नहीं करो बेटे, बेटे ब्रेक हो जाएगा। सो कितना खूबसूरत है इधर, फेरिस आइटम्स पड़ी हैं। सो मुझे यहाँ से ये अच्छा लगा है, इसका यूनिक है। इसकी प्राइस है 399। तो सैलून से निकले, बच्चों को पिक किया, बच्चों को तो आई ड्रॉप कर दिया था टीचर ने। सैलून से निकले, कुछ ड्रिंक्स पहले लिए और उसके बाद अब हम आ गए पार्क। सो ये पार्क है, ये घर के नियर ही पार्क है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये मेरी बिल्डिंग नहीं है, पर ये मेरी बिल्डिंग के पास में ये बिल्डिंग है। सो ये खूबसूरत बिल्डिंग है और इसका पार्क है इस एरिया का। तो बस बच्चों को लेके थोड़े पार्क आए हैं, अभी पार्क में बच्चे तो नहीं हैं, बट आ जाएंगे कुछ देर में। नॉर्मली इस पार्क में बच्चे होते हैं काफ़ी सारे, आज अभी तक नहीं है। सो थोड़े बच्चों को पार्क लेके आए ताकि ये भी कुछ एक्टिविटीज़ कर लें, क्योंकि इन साइड तो कुछ एक्टिविटी होती नहीं है। तो सी ये कितना खूबसूरत एरिया है, इसमें जॉगिंग ट्रैक भी है। और दो पार्क हैं, एक ये छोटा सा पार्क बना हुआ है और एक ये अपोजिट साइड पर पार्क बना हुआ है। तो हम स्टे करेंगे इधर, क्योंकि बच्चे इधर रुके हैं तो हम भी इधर रुकते हैं। मैं वो यहाँ पे स्लीपर उतार के थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। सो गाइस, यू कैन सी माय फेस कि मैंने कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की है, और मैं अब एक्सरसाइज करके हूँ, सर में दर्द हो रही है। हम आए थे डिनर करने और मैं एक्सरसाइज करने बैठ गई हूँ, तो मैंने कहा आज वॉक शॉप तो नहीं हुई है तो आज फिर थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और बच्चे अब प्ले कर रहे हैं। वो इतना फील नहीं करवा रही कि मैं स्केयर हो रही हूँ। पता नहीं कौन से बच्चे हैं, बच्चे कैसे इतना एक्साइटेड होकर झूले ले लेते हैं यार। मेरे बच्चों को तो चेंज भी नहीं लेनी आती, उसकी चीखें आसमानों पे हैं और इसका डर उससे भी ज़्यादा है। फाइनली शी टेक, हमारे की थोड़ी क्लीनिंग हो रही है, सफाई हो रही है। अमल के नहीं, सिर्फ अनाया के हैं। और बस बच्चे खेल रहे हैं, सी बच्चे कितना खुशी से खेल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं यहाँ से, देखेंगे कैब, कैब मिल जाए सही। अब
हम फूड का वेट कर रहे हैं। अमन फोन था खेल दिया नायक को कुछ देर, मैंने कहा कि मत फोन यूज़ करो बट फाइनली उसने फोर्स करके इंसिस्ट करके अपने डैडी को फ़ोन दे दिया और हम स्टिल फूड का वेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वेट करो आप How's the taste? First I eat then Good. Okay. ये बहुत ज़्यादा यम्मी कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई। अनाया भी खा रही है, हम सब खा रहे हैं और अमल अपनी क्लीनिंग कर रही है। Yes, first we go sweet shop, okay? Then we take taxi, okay? No toys. You already buy toys yesterday. We never buy toy again, again and again. Daily, daily, daily. Yes. Next time, no buy something. Okay, next time we never buy something. अच्छा अभी बस घर आके जब तक हमने चेंज कर रखी है ना, बच्चों को मैंने चेंज करवाया, तो ये ना राइस की मैंने ना खीर टाइप बनाना रखती थी। ये एक्चुअली राइस सीरियल बनाए हैं, ये ना दूसरे राइस से बनते हैं, ये रशियन जो राइस खाते हैं ना, इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख के आपको बता दूँगी। तो इसको ना ऐसे खीर टाइप बना लेते हैं। हमने बाहर से स्वीट्स खानी थी तो खैर जिस शॉप से हमने मिठाई लेनी थी हमें वहाँ से मिली नहीं, एक्चुअली हमें लगा था कि वो मिठाई की शॉप है पर वो भी रेस्टोरेंट था, तो फिर हमने ये घर में ये बना लिया। तो इसके अंदर ये बना के हमें तकरीबन रेडी हो रही है, मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। तो बस अभी बिल्कुल रेडी हो जाती है, इसमें से बटर डाल देते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। ये ना मेरे नेबर्स में रशियन रहती थी, उन्होंने मुझे बताया था ये इस तरह वो इसको ना ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं एज अ सीरियल। तो ये अब देखिए बहुत अच्छी सी बन गई, इसमें इसमें आधा पानी आधा दूध और एक कप राइस के अंदर जितने में वो घर के अपना पका लें, बाद में इसमें शुगर डालें और थोड़ा सा सॉल्ट डालें और साथ में थोड़ा बटर डालें, बिल्कुल लास्ट में बंद करते हैं। तो बस ये रेडी हो गए, तो मैं बंद करने लगी उसमें इसमें बटर डाल दिया। तो मैं आपको इसका ना नाम देख के एक मिनट बताती हूँ। राइस मैंने इसमें ना ये वाले राइस यूज़ किए हैं, ये कैलरोस राइस हैं, इस तरह ना छोटे छोटे राइस होते हैं, तो मैंने इसमें ये वाले यूज़ किए हैं राइस। तो ये एक कप से हाँ एक कप राइस में ना इतनी बन गया, इतनी सी देखी है और इसमें आप देख सकते हैं इस साइड की देखेंगे इसमें काफ़ी सारी बन गई है। नॉर्मली तो मैं साथ ही बनाती हूँ, तो एक बड़ा कप राइस में ना इतनी सारी ये चीज़ सी बन गई। सीरियल बन के रेडी हो गया, बस इसको अब मैं बंद करूँगी, कुछ अभी ठंडा करके सर्व कर लेंगे एज अ स्वीट डिश और बाकी मैं रख दूँगी मॉर्निंग के लिए, ब्रेकफास्ट इजी हो जाता है इससे। और इसके बाद बस फिर चाय बना रही हूँ। और आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो फिर मुझे प्लीज़ कमेंट्स किया करें कि आप देखना चाह रहे हैं, क्या वीडियोज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ गाइड किया करें। और आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।